तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के सारे इनकमिंग कॉल को बंद कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक फॉर ऑल। तो फ्रेंड, कई बार क्या होता है, अगर आप गेम खेलते हैं पबजी, फ्री फायर या कोई भी गेम खेलते हैं, तो उस समय कोई भी कॉल कर देता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। ऐसे में क्या कर सकते हो फ्रेंड, आप इनकमिंग कॉल को बंद कर सकते हो ताकि कोई भी कॉल ना करे, और जब मर्जी आप चालू भी कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। तो आज यही तरीका बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। तो सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे। फ्रेंड, आपको बता दूं सबसे पहले कि आपके पास एक नंबर होना चाहिए जो परमानेंट बंद हो या स्विच ऑफ हो, आपका ही पुराना नंबर हो वो। तो वो नंबर आपको ले लेना है और यहाँ डायल पैड में आ जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉल फॉरवर्ड का जो है कोड वो बताने वाला हूँ। जैसे कि स्विच ऑफ जो नंबर है उस पर अगर आप कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं तो कोई भी उधर से कॉल करेगा इनकमिंग कॉल, तो उस पर कॉल जाएगा, और अगर वो स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ बताएगा, आपके फ़ोन में कॉल नहीं आएगा। तो यही बताने वाला हूँ, देख लीजिए कैसे आप कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक कोड डायल करना है, **67, फिर स्टार, फिर आपको वो स्विच ऑफ वाला जो नंबर है जो बंद है वो नंबर यहाँ पे डायल कर देना है। तो आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं एक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, ये जो मेरा नंबर है ये अभी बंद है, इस पर रिचार्ज नहीं हुआ है तो इस पर इनकमिंग कॉल नहीं आता है। तो ये नंबर मैंने डाल दिया है और सिंपली हैश दबाऊँगा यहाँ पर और इस पर कॉल कर देते हैं। तो मेरे पास ये जो है VI का सिम है तो मैं इससे कर रहा हूँ। अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो उसका कोड जो है दूसरा होगा, मैं सेटिंग से भी करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं इस पर कॉल कर देता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन बिजी रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल, इस तरह से लिख के आ गया। ये देख लीजिए कॉल फॉरवर्डिंग जो है मेरे नंबर पे एक्टिवेट हो गया है। अब जब भी कोई इधर कॉल करेगा तो उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा कॉल, और वो नंबर जो है अभी बंद है तो इसलिए बंदे को बताएगा कि वो नंबर बंद है, स्विच ऑफ है या कुछ भी। तो इस तरह से आप सारे इनकमिंग कॉल को बंद कर सकते हैं ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। मैं सेटिंग से भी आपको चल के बताता हूँ कि आप सेटिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो यहाँ सेटिंग से भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कॉल सेटिंग में आ जाना है, ये देख लीजिए कॉल सेटिंग। कॉल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए मोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग का ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वॉइस कॉल पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस, और यहाँ पे अभी जो मैंने कॉल फॉरवर्ड किया था इस नंबर पे, ये देख लीजिए यहाँ पे शो हो रहा है। चाहूँगा तो मैं यहाँ से ही इसको डिसेबल कर सकता हूँ या कोड से भी आप डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको कॉल फॉरवर्ड सेट करना है तो यहाँ पे जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नंबर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे ये देख लीजिए इनेबल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ सेटिंग से भी कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए ये लगा हुआ है कॉल फॉरवर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिसेबल पे, तो यहाँ पे ये देख लीजिए ये डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ से भी डिसेबल कर सकता हूँ, और आपको कोड भी बता देता हूँ कि कोड से आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं कॉल फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि आपने फॉरवर्ड लगा दिया है, अगर बाद में आपको उसको डिसेबल करना है, बंद करना है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, हैज़ हैज़ और यहाँ पे ये देख लीजिए 62, फिर हैज़ ये डायल करना है आपको और इस पर कॉल कर देना है। तो ये देख लीजिए ये यहाँ से हट चुका है कॉल फॉरवर्डिंग। तो इस तरह से आप कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं और सारे इनकमिंग कॉल को जो है बंद कर सकते हैं, सिर्फ नेट यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।